आसाम में एनआरसी जो हुई उसमें कितनी बर्बादी पैसे की हुई, कितने आदमियों की जाने गई और आखिर में जो पहले भारत का गृह मंत्री अमित शाह पहले क्या बोल रहा था, बोला इसमें 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए है उनको निकालना है और घुसपैठिए कहने का उनका मतलब ये था कि वो मुस्लिम है। लेकिन जब वह एनआरसी फाइनल होगी और उसमें 19 लाख से कुछ ऊपर है उसमें पाए गए, अगर उनके पास अपने कागज नहीं थे वो सब गरीब लोग थे। आप जानते हो कि भाई ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आसाम के अंदर से ही बहती है और वो भारत का सबसे बड़ा दरिया है। ये गंगा जमुना को जो नदियां कहते हैं वो दरिया है, दरिया वो कितने लोगों को हर साल उजार के जाता है। अब की बार भी आप देखोगे आसाम का जो सबसे बड़ा पार्क है वो भी पानी से भर गया था, हाथी पर डूब गए थे, हाथी भी मरे हैं। ये जो 19 लाख लोग बाहर हो गए ये ज्यादातर वही लोग हैं जो गरीब आदमी है जिनकी सब कागज वागत जो करीब बह जाती है वो कहाँ से कागज लाए। तो वो जो 19 लाख पाए उसमें अब कहीं के रिकॉर्ड की बात आ गई, 12 लाख उसमें हिंदू है, 1-2 लाख आदिवासी है। उसके तुरंत बाद ही अमित शाह ने अपनी जबान बदलनी शुरू करी, कहने लगा बराबर हिंदुओं को तो घुसपैठिए नहीं माना जा सकता, मायने है मुस्लिम घुसपैठिए हैं। ये उनका साफ साफ कहना है। एक तरफ तुम कहते हो देश में लोकतंत्र है, जो कहते हुए भारत धर्म निरपेक्ष है, तब ये सरकार की तरफ से धर्म का मामला क्यों आया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश वहां से लोग आकर नागरिकता लेंगे वो कौन लेते हैं ये सारी दुनिया जानती है। जो पाकिस्तान में उत्पीड़ित होगा वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख ईसाई भी हो सकता है। लेकिन इसके माध्यम से लोगों की एकता तोड़नी थी, उस काम को ध्यान में रखते हुए गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। पहली दूर जिनकी यही पाई कि तो ये कहते बांग्लादेशी है, ये ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के हैं। अगर आसाम के आंदोलन का कोई अध्ययन करे तो उसमें ये साफ बात है, जब वो आंदोलन वहां के छात्र संगठन आसू ने कराया था उन्होंने ये कहा था गैर आसामियों को बाहर निकालो, तब ये कोई बात नहीं थी। लेकिन देखो कैसे बदलते बदलते कैसे कितने जल्दी वो जबान बदलते हैं और आज उन्होंने इसको हिंदू मुसलमान का मामला बना दिया। तो साथियों आज उन्होंने हिंदू मुसलमान का मामला बना दिया। हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर से नहीं, ये जो 19 लाख लोग हैं इनमें वो ये कह रहे हैं साफ बात है, क्योंकि 19 लाख अब उनके अनुरूप भारत के नागरिक नहीं रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं को इसके तहत नागरिकता दे देंगे। लेकिन आप एक बात देखो कि कुछों को नागरिकता देंगे और कुछों को नागरिकता नहीं देंगे। जो सारे देश में उन्होंने ये प्रचार किया ताकि ये नागरिकता लेने के लिए लाए हैं, छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता छीन
करने के लिए लाए हैं, नहीं तो सरकार जब चाहे नागरिकता दे देती है, दे सकती है। खुद अभी पिछले दिनों ही अदनान शामी को उसको नागरिकता दी, और नागरिकता ही नहीं दी, 26 जनवरी को उसको सम्मानित भी करा, तो तब ये कानून कहाँ से आ गया? अगर मुस्लिमों को दिया जाएगा, मतलब है सरकार जिसको चाहेगी उसको दे देगी, सरकार जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं देगी। जो हिंदुओं में भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, वहाँ आज भी हजारों आदमी आसाम में डिटेंशन कैंप में पड़े हुए हैं, और उनमें से जो मरे हैं सैकड़ों आदमी, उनमें हिंदू ही ज़्यादा मरे हैं। ये सरेआम देश की जनता को गुमराह करने के लिए सुबह से शाम तक, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे बीजेपी के दूसरे नेता हो, ये सुबह से शाम तक सिवाय झूठ बोलने के और जनता को भड़काने के, नफरत फैलाने के, इसके अलावा ये कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। हम जानते हैं साथियों, अभी की बात है, अभी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीओ ने, चाहे लेबर पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, भारत सरकार की जम के आलोचना करी है कि भाई ये एकदम से धार्मिक भेदभाव के ऊपर काम कर रही है। कितने आदमी अभी दिल्ली में मारे गए, इसकी कड़ी निंदा। पार्लियामेंट के अंदर एमपीओ ने भारत सरकार की जम करके आलोचना करी है, और एक एमपी ने नहीं, कम से कम भी 5-7 एमपीओ ने इसकी आलोचना करी है। ये खुद मोदी ने भी माना था, केवल विश्व दबाव के बाद भी हम इसको पीछे नहीं हटेंगे। तो आप समझ लीजिए, इसकी आज सारी दुनिया में बदनामी हो रही है। यूरोप की पार्लियामेंट में प्रस्ताव आया था 750 के करीब एमपी, उसमें 650 इस बात के खिलाफ थे। तो यहाँ की सरकार ने, यहाँ का जो स्पीकर है उसने वहां चिट्ठी लिखी, रिक्वेस्ट करी, भारत सरकार के दिलाई के भाई हमारा आंदोलन ही मामला है, नहीं तो वोट भी पड़नी थी। तो इनकी सारी दुनिया के अंदर झूठ हो रही है, ये बता रहे हैं ये विश्व नेता है। अरे ये गली के नेता के लायक भी नहीं है ये बात का प्रधानमंत्री। ये कमी साहब जैसे नेता होते हैं, ये शर्म देश को शर्म में डबो दिया है मोदी ने। सुबह से शाम तक देश का प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलता है। अभी यस बैंक का घोटाला सामने आया है, आपने पता होगा 2,00,000 करोड़ से ऊपर के पैसे खा करके हजम कर गए। उनमें कौन है? उनमें अनिल अंबानी है, जिसको राफेल में भी दिलवाया था। उसमें डॉक्टर सुभाष चंद्रा है, जो 35,000 करोड़ रुपए ले बैठा है, चीन उसका मालिक है डॉक्टर सुभाष चंद्रा। हरियाणा से राज्यसभा का एमपी बनाया था बीजेपी ने, वो भी पैसे मार रहा है। और कब उसने आप बता भी है कौन 40 करोड़ बीजेपी को चंदा दे रहा है, इनमें से कौन 50 करोड़ दे रहा है, कौन 30 करोड़ दे रहा है। उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया जिन्होंने यस बैंक को दबाया ना,
बीजेपी को सूट नहीं करता, बड़ा पाकिस्तान चला जा, पाकिस्तान तब मैं चले जाओगे, आम जनता जब पाकिस्तान भेजोगे तो सुबह से शाम तक सिवाय झूठ बोलना, सिवाय नफरत फैलाना, अफवाहें फैलाना, इसके अलावा बीजेपी के पास आज कोई एजेंडा नहीं है। और वो जानते हैं कि भाई देश की जनता आक्रोश में है, दुखी है, देर सवेर देश के लोग खड़े होंगे और लुटेरे राज को उखाड़ करके फेंक दे।
किसी पार्टी का तो नहीं है, वो सज्जन कुमार को भी सजाई में इसी ने करी थी। वो जानते थे कि कपिल मिश्रा, परमेश वर्मा इनको सजा होगी, इसलिए रातों रात उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो साथियों आप समझ लीजिए, हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे सीए हो, एनपीआर हो, एनआरसी हो। एनपीआर का हमारा एक बात कह रहा है, वो कह रहे हैं एनपीआर एनआरसी नहीं है, सरकार का ऑर्डर पढ़कर देख लो, उसमें साफ है कि वह आसाम में एनपीआर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? वो एनआरसी हो चुकी। इसका मतलब एनपीआर और एनआरसी का ताल्लुक है ना, नहीं तो आसाम में भी होती अगर उसका ताल्लुक नहीं होता। 2011 में जनगणना होनी है तो भी एनपीआर की क्या जरूरत है? 10 साल में जनसंख्या होती की गणना होती है, उसका है पिछले इतने समय से। तो साथियों ये सुबह से शाम तक ये झूठ के बुलंदे, पूंजीपतियों के दलाल, इनके खिलाफ आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, चुनाव नहीं। चुनाव में आप देखते हो नेता चुनाव से पहले क्या कहते हैं, चुनाव से बाद क्या कहते हैं। हमारा ये कहना है, आम आदमी पार्टी के 66 MLA हैं, अगर वो अपने सभी MLA को उस समय लेकर के वहां जहां दंगे वाले जब चले जाते, उनके साथ 10-10, 20-20 आदमी होते, तो हजारों आदमी अगर जाते तो दिल्ली के दंगे रुक जाते। ये सब चुनावी ताकते हैं, ये लोगों के इतना काम नहीं करते। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। ये साथियों ये नारा बाल बदल सही गया जो भगत सिंह ने लगाया था, तो इतने जोर से लगाओ। अब वो अमित शाह को भी सुना, जब वो कह था ना चुनाव में, अब भाई इतने जोर से नारा लगाओ कि साइन बाप करंट जाने लगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।